मुझे मेरे किसी दोस्त ने बताया था, आयशा की एज 9 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी, और ये बात मुझे 12-13 साल में पता चली थी। और अगर मैं 12-13 साल में अपने पीछे 4 साल की एज देखती, 9 साल की एज में मुझे कोई अकल नहीं थी, मुझे कोई पता नहीं था लाइफ क्या है, मुझे ये पता नहीं था पढ़ाई करनी या नहीं करनी, क्या बनना, लाइफ के गोल्स क्या होते हैं, इवन के सेंट क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे साथ कुछ कोई करना चाहता है, मुझे आगे से रिएक्शन क्या देना है, क्या मुझे करने देना चाहिए या मुझे उसको रोकना चाहिए, मतलब ये चीज़ें पता होती ही नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल कि उस एज में आपको पता हो कि आपने करना क्या है। अच्छा, अभी तो मैं 13 की हूँ, तो मुझे इतना बुरा लग रहा है कि अगर आप 13 की अभी 13 की जो वो स्टोरी बता रही हूँ कि मुझे अच्छा पता चला। हाँ, 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 ओके, ओके ओके ठीक है ठीक है, मैं थोड़ा घबरा गया। ओके फिर हाँ ठीक है। हाँ मतलब कि उस टाइम मैंने सोचा कि मैं तो अभी 13 साल की हूँ और मुझे इतना बुरा लगा है, तो जिस बेचारी 9 साल की बच्ची के साथ हुआ होगा ये सब, उसको क्या लगा होगा, उसको उस पर क्या गुजरी होगी। तो मैंने फिर ना पूछा, अपने बड़ों से पूछा, उन्होंने मुझे ये बोला कि ये गलत बात है, वो 9 साल की नहीं थी। उस वक्त के लिए मैंने ये सवाल पूछना ही छोड़ दिया, क्योंकि मेरे बड़ों ने मुझे बोल दिया कि ये आपको गलत बताया गया, आपको किसने बताया है कि वो 9 साल की थी ही नहीं, वो तो 18 की थी, वो तो 16 की थी। फिर मैंने बोला चलो मान लेते हैं 16 की भी थी, फिर भी वो तो 54 के ही थे ना, वो तो छोटे नहीं थे, वो तो 54 के ही थे। फिर क्या जवाब मिला? नहीं, कोई जवाब मिला ही नहीं आज तक, जवाब मिलेगा ही नहीं। ये जो क्लेम है ना आपके पास आके, हमें मौका दो तो हम ये कर देंगे, हम उखाड़ लेंगे, पता नहीं क्या उखाड़ लेंगे, कुछ उखड़ना नहीं है इनसे, इनके पास कुछ आंसर ही नहीं है। तो इसलिए मैं भी मजे लेती रहती हूँ, हाँ भाई चलो ठीक है, कभी मौका मिलेगा आपसे बात करेंगे, दे लेना अपनी तसल्ली कर लेना, आप भी जवाब दे लेना। जब मैंने सेक्स स्लेवरी को डीपली स्टडी किया ना, मुझे बहुत गंदा लगा, मुझे बहुत ही बुरा लगा। आप लोग इसको, ये मोमिनींस जो हैं, किसी भी सूरत में इसको डिफेंड कर ही नहीं सकते। आप लोग कोई भी इसका बहाना बनाओ, आप लोग ये बोलो कि उस ज़माने में ट्रेंड था, उस ज़माने में इट वॉज़ नॉर्मल, आप लोग कुछ भी एक्सक्यूज दे लो, आपकी ये जस्टिफाई नहीं करता। एक आज़ाद औरत, और वहाँ पे हर तरह के तबके की औरतें थीं जिनको बाद में आप लोगों ने क्लासिफाई करते थे उनके सूरत के लिहाज से, उनके स्टेटस के लिहाज से, उनसे बेस्ट वाली होती थी उसकी बोली सबसे ज़्यादा लगती थी, ठीक है। तो आप लोग ये सेक्स स्लेवरी को किसी भी सिचुएशन में कुछ भी एक्सक्यूज़ बना के आप डिफेंड नहीं कर सकते, एंड ऑफ स्टोरी। ये कि मर्द की खेती है औरत, जब चाहे वो इसमें आए, जब चाहे वो जाए। इस हदीस की बिना पे मैंने अपने आसपास ये ऑब्जर्व किया, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, बहुत सी औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं, प्रेगनेंसी में आपको पता है मूड स्विंग्स आते हैं और आपकी बॉडी इतना दर्द करती है कि अगर आपका हस्बैंड आपके साथ कुछ करना चाहता है तो वो उसको मना कर देती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं कर सकती। लेकिन हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है, वो मना कर ही नहीं सकती, उसके पास ऑप्शन। ये तो रसूलुल्लाह ने भी कहा है, हाँ। वो तो मना कर ही नहीं सकती क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, और वो सुबह तक फरिश्ते उसको लानते डालेंगे, और फरिश्तों की लानतों से बचने के लिए बेचारी कुछ भी नहीं बोल सकती। और अगर वो थोड़ा बहुत रिजिस्ट करती भी है, उसको आगे से मार पड़ जाती है, क्योंकि मार के भी वो नहीं बोल सकती कि तुमने मुझे मारा क्यों, क्योंकि ये भी कुरान में लिखा हुआ है कि आप मार सकते हो, तो बेचारी जाए तो जाए कहाँ। क्या आप नमाजें भी पढ़ती थी जब तक आपने इस्लाम नहीं छोड़ा था? हाँ जी, हाँ जी, नमाजें पढ़ती थी। क्या अरबी आपने सीखी थी? जब तक नहीं छोड़ा था तब तक पढ़ती थी। ऐसा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स मुझ पे सख्ती करते थे, लेकिन मैं खुद से ही पढ़ती थी क्योंकि मैंने बहुत छोटी एज में ही कुरान पढ़ लिया था। तो अरबी भी सीखी थी आपने? अरबी सीखी नहीं थी, वही जो कुरान में लिखा है बस वही। इसीलिए तो उन्होंने मुझे बोला कि आप बच्ची हो, आपको पता नहीं है, आप तर्जुमे के साथ पढ़ो। तभी 14-15 साल की एज में मैंने तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया ताकि मुझे समझ आए, और गेम ही तब बदली जब मैंने तर्जुमे के साथ पढ़ा, जब मुझे समझ आई कि एक्चुअली लिखा क्या है उसमें। तो कुछ जैसे सूरह फातिहा है या इस तरीके की कोई सूरत विरत आपको याद भी है? मतलब कुछ बताइए कुछ, क्योंकि क्या होता है ना, आई एम रियली सॉरी, लेकिन हमें कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो पहले मुस्लिम नहीं होते बट दे प्रेजेंट देमसेल्फ एज एन एक्स मुस्लिम। तो हम अपने चैनल को काफी ऑनेस्ट रखना चाहते हैं, किसी को हम ये बोलने का मौका नहीं देना चाहते कि भाई हम किसी फेक इंसान को या प्लांटेड लोगों को रखते हैं। तो वी वांट टू बी वेरी श्योर अबाउट दैट। आप हमें कुछ सुरफाते सुना देती हूं। इट्स बीन रियली लॉन्ग कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो होपफुली ये गलत नहीं बोलूंगी। जी 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 हाँ, अच्छा ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सॉरी बिस्मिल्लाह तो पढ़ी नहीं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अन'अमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन आमीन। बिस्मिल्लाह तो पढ़ लिया आपने, औजु बिल्लाह नहीं पढ़ा आपने। सॉरी सॉरी, फिर से नहीं पढ़ सकती, बहुत लंबी थी। जो हमारी आम लड़कियां हैं, मैं समझती हूँ कि उनमें अकल है, उनमें हर वो चीज़ है जो एक मर्द में है। वो अपने आप को किसी से कमतर मत समझें, क्योंकि आपको बोला गया है कि आप कम अकल है, बट आप कम अकल बिल्कुल भी नहीं है। वही सब कुछ आप कर सकती हैं जो मर्द कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है, आपको वो हदीसें पढ़ने की ज़रूरत है जिसमें आपको बहुत एक नीच चीज़ दिखाया गया है। आप सिर्फ उसी पे खुश हो जाती हैं कि आपको जन्नत, आपके माँ के पाँव के नीचे जन्नत रखी गई है, और आपको औरत के बड़े इस्लाम में हकूक हैं। ये सिर्फ एक लाइन है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारे यहाँ इतने ही हकूक औरत को दिए जाते तो हर दूसरे घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता ही नहीं। और आप अगर समझ गई हैं इस बात को कि ये सब ऐवें हैं, कोई ख़ास इसमें सच्चाई नहीं है मज़हब में, तो आपको चाहिए कि आप इसको पहली बात तो अपने तक रखें। जब तक आपको इस चीज़ की तसल्ली नहीं मिलती कि आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा, आप इस बात को खुद तक रखें, लेकिन एटलीस्ट सच को जानने की कोशिश तो करें। आपको ही इस्लाम ने एक, सॉरी टू से मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाहती, एक टॉय से ज़्यादा, डैश टॉय समझ गए, उससे ज़्यादा आपकी कोई अहमियत नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है आपको इस्लाम ने दी। आपको ख़ुद अपनी वैल्यू ढूंढनी है और आपको इस चीज़ के अगेंस्ट खड़े होना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अब घर से निकलें और हला 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 करके ऐसे ऐसे आप सबको बोल दें कि हाँ जी मैं एक्स मुस्लिम हूँ, जी ये मुझे पता चल गया सच्चाई। ऐसा ऐसा कुछ नहीं करें आप, क्योंकि मुझे पता है बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनको पता है लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती। आई अंडरस्टैंड कि वो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो हमें ही गालियाँ देती हैं, जो हमें ही बुरा भला बोलती हैं, किसी हद तक भी जा सकती हैं सिर्फ अपने प्रॉफिट को सच्चा साबित करने के लिए। हमें उस चीज़ का भी बुरा नहीं लगता है, हमें पता है उन बेचारियों का कोई कसूर नहीं है, उनके साथ जो हुआ है वही बहुत बड़ा मजाक लाइफ ने उनके साथ कर दिया है, तो इसलिए मैं उनकी बातों का माइंड नहीं करती, मुझे उन पर तरस आता है।